विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के अपने ही पराये होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय जी, चुनाव के नतीजे आए उसके बाद अब देख रहे हैं सपा में जिस तरह की फूट है, सपा के अपने ही लोग नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, आजम खान के पक्ष में दिख रहे हैं, क्या लगता है आप? जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव थे तब तक समाजवादी, आज असली समाजवाद मोदी का पास है, योगी जी के पास है। बिना भेदभाव के मुसलमान को भी, हर यादव को भी, दलित को भी, किसी कोई ऐसी जात नहीं कर सकती है कि जो हमें मकान न मिला हो, हमें अनाज न मिलता हो, हमें इलाज न मिलता हो, हमें जो है किसान निधि में पैसा न आता हो। तो असली समाजवाद तो इस समय NDA में है। तो आज के दिन में जब NDA में असली समाजवाद है तो भाग के तो आएंगे ही आएंगे। और उनके पास वो विरासत में मिली हुई चीज़ राजनीति में हिरासत में आ जाती है। एक तरीके से वो कुछ लोगों के अंगूछंगू मंगू से घिरे हुए हैं, हिरासत में है, इसलिए फैसले वो अगर लेते हैं, मुलायम सिंह लेते हैं, तो शायद पिछड़ों और गरीबों के, 5 साल गरीबों, इनकी सरकार थी 5 बार, कभी पिछड़ों के नेता के नाम पर दो भी कोई कानून बना दिए हों जैसे पिछड़ों के विकास की धारा में ला सका, दलितों में नाम पर आए एक भी नहीं। आज के दिन मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ों के लिए आज के दिन में रिजर्वेशन हो गया, पिछड़ों के लिए भी हॉस्टल खुलवा रहा हूँ कई जिले में उनका घर बनवा के। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सोच रही है। तो जहाँ जिस सभी वर्गों के लिए सोच हो वहाँ तो आना ही आना है। इसलिए वो भगदड़ न कहिए, भारतीय जनता पार्टी NDA का जो सोच है, NDA का जो क्रियाकलाप है, उसको देख कर लोग आ रहे हैं। और उनके क्रियाकलाप आप मालूम है 2014 से चल रहा, हर इलेक्शन जीतते हैं, हर इलेक्शन के बाद कितनी हार होती है आपको मालूम है। क्योंकि जब 30 साल था, 30 साल में आप टेबल पर जहाँ खाना खाते हैं उस टेबल पर फैसले होंगे, तो फैसले तो लोकतांत्रिक होने चाहिए ना, ऑफिस में होने चाहिए, किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं। सबको इतिहास मालूम है गोरखपुर का, कैराना फूलपुर का, कैसे हम लोग जीते थे। तो इस पर आज के दिन में हम उनको कुछ कहेंगे नहीं, इतने कहेंगे कि कम से कम राजनीति में हैं तो राजनीति में राजनीति के हिसाब से करें, अगर पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं तो पिछड़ों के नेता बने। आज के दिन में मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा योगी जी के कि हर जाति धर्म को कम से कम करिए हैं, और एक ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे राजनीति करके जो समाजवादी पार्टी चल रही थी, तो समाज वो ट्रेडिशनल वोट बैंक आज के दिन में जब मोदी जी के साथ है, दंगा खत्म हो गया, भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, तो ट्रेडिशनल वोट बैंक जहाँ रहेगा वहाँ सब लोग आएंगे। आज मुसलमान भी तो मोदी रट रहा है, मोदी जी हमें खाना दे रहे हैं, हमें घर दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे बेटे की इलाज करा रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं। तो बिना भेदभाव के, भारत की संविधान यही कहता है, समता ममता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व, बिना भेदभाव के किया जाए। तो आज के दिन में मोदी जी इसके लिए और योगी जी फिट हैं, इसीलिए सारे लोग इधर आ रहे हैं। आजम खान के इन हालात के लिए भी अखिलेश यादव को जिम्मेदार कह रहे हैं पार्टी के कई लोग। अब वो लोग जैसा किए हैं वैसा भरन, जैसा करें जो जैसा करण वैसा भरन। दंगे में, कैराना के दंगे में क्या आई जांच में, कैसे लोगों को, पुलिस को रोका गया, कितना मरने दिया गया, कितना मुसलमान कितना हिंदू मरे, तो आज के दिन में तुमको तो भोगना ही पड़ेगा ना। आज के दिन में कितने लोगों के साथ क्या अन्याय हुआ, कितने लोग आए, क्या किए, किसे टिकट मिलता है, किसे क्या होता, ये सारा जो जैसा करता वैसा भरेगा, हम लोग जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा फल। तो आज के दिन में वो निश्चित रूप से चरितार्थ हो रहा, इन लोगों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से रिजल्ट आ जा रहा। और शुक्रिया बात करेंगे, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब असली समाजवाद समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है, यही वजह है जो समाजवादी पार्टी के और उसके नेता अखिलेश यादव के ये हालात बने। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।